Namova. A very interesting comment on my Twitter thread today by a user whose name is Yajnya Datta. And he says, there is an Urdu word which is unique, Muft Khor. I don't think we have any word for it in Hindi. तो इनका कहना है मुफ्त खोर उर्दू में शब्द है और इनके विचार से हिंदी में ऐसा शब्द नहीं है. तो आज हम हिंदी और संस्कृत में मुफ्त खोर के लिए क्या शब्द हैं इस पर एक लघु चर्चा करेंगे. आई विल डिस्कस इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. आई विल गिव द मीनिंग्स इन ब्रीफ इन इंग्लिश एंड द डिस्कशन विल बी इन हिंदी. तो मुफ्त खोर ठेठ ऐसा शब्द तो नहीं है और परंतु इसी भाव को कहने वाले शब्द अनेक हैं. ठेठ वैसे शब्द तो मिलते भी नहीं हैं, परफेक्ट ट्रांसलेशन तो कहीं मिलते नहीं हैं. तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो मुफ्त खोर के समानार्थी हैं हिंदी में. तो पहले हिंदी के हम तीन शब्द जानेंगे और फिर संस्कृत में क्या शब्द हैं मुफ्त खोर के लिए जो केवल दूसरों का अन्न खाता है. तो मुफ्त खोर का पहले हम अर्थ देखते हैं इस जदीद उर्दू हिंदी कोश में जो विनय कुमार अवस्थी जी ने मुझे दिया था कुछ दिन पहले. और यहाँ मुफ्त खोर का इस कोश में अर्थ दिया है फारसी विशेषण, जो दूसरे के सिर पड़ा हो, जो मेहनत न करे और खाना चाहे दूसरों का माल मारने वाला. यह है मुफ्त खोर. मुफ्त अर्थात निशुल्क, खोर खाने वाला. तो इसके लिए हिंदी में क्या शब्द है. हिंदी में अब तीन शब्द हम बताएंगे. पहला शब्द है रोटी तोड़. जो रोटी तोड़ता है, जिसका पौरुष केवल रोटी तोड़ना है. Somebody who just breaks roti and eats, that's his only work. तो जैसा आप जानते हैं हिंदी में मुहावरा है रोटियां तोड़ना. रोटियां तोड़ना अर्थात कुछ काम ना करना, केवल भोजन के समय आ जाना, रोटी तोड़ना और खाना. तो कहते हैं क्या क्या पड़े पड़े रोटियां तोड़ रहे हो, कुछ काम करो, कुछ काम धंधा करो, ऐसा कहा जाता है. तो रोटी तोड़ का वही अर्थ है जो निःशुल्क खाता है, जो कुछ काम नहीं करता, दूसरों के पैसे पर जीता है. तो पहला शब्द यह है रोटी तोड़. दूसरा शब्द है टुकड़ तोड़. टुकड़ तोड़ था जो टुकड़े तोड़ता है, वही भोजन के टुकड़े तोड़ता है, रोटी के टुकड़े तोड़ता है, उसे कहते हैं टुकड़ तोड़. और इसका एक इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है टुकड़हा. Somebody who breaks pieces or survives on crumbs or pieces of food. तो ये दोनों शब्द हैं. और इसी से मिलता जुलता एक उर्दू का शब्द भी है टुकड़ खोर. खोर जो खाने वाला और टुकड़ टुकड़े से. तो ये है टुकड़ तोड़ और टुकड़हा. तीसरा हिंदी का शब्द है रहुआ. रहुआ अर्थात जो केवल रहता है, कुछ काम नहीं करता. Somebody who just lives with you, does no work and only lives with you and eats. And of course sleeps. Such a person is called rahua, जो केवल रहता है. तो ये थे हिंदी के तीन शब्द जो मुफ्त खोर के समानार्थी हैं. और अब हम चलते हैं संस्कृत के शब्दों की ओर. तो बहुत एक से एक सुंदर सुंदर शब्द हैं इस भाव को कहने के लिए संस्कृत में. तो आइए उनको जानते हैं. पहला शब्द है पात्रे समित. पात्र अर्थात वह पात्र जिसमें भोजन बना अथवा भोजन जिसमें परोसा जाए. तो यहाँ पात्र का अभिधार्थ न लेकर यहाँ लक्षणा लेनी चाहिए, अर्थात भोजन के विषय में जो संगत होता है. जो पात्र के विषय में अर्थात भोजन के समय जो आपके पास आता है, जो संगति करता है, उसे कहते हैं पात्रे समित. और यह शब्द इतना प्रसिद्ध है, पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में इसके लिए एक सूत्र बनाया है. दूसरे अध्याय के पहले पाद का 47वां सूत्र है पात्रे समितादयश्च. और पात्रे समिताह का क्या अर्थ दिया है पंडित ईश्वरचंद्र ने अपनी टीका में, भोजन भट्ट जो भोजन पात्र पर ही एकत्रित हों परंतु कार्य के समय दिखाई न दें, इनको कहते हैं पात्रे समिताह. और एक वचन में पात्रे समिता. तो ये है संस्कृत का एक शब्द पात्रे समित. Somebody who's seen और who accompanies you only at the time of meals. दूसरा शब्द है पात्रे बहुल. और इसका अर्थ है जो बहुलता से, अर्थात बहुत बार, जो प्रायः भोजन के समय ही दिखाई दे. Somebody who's frequently seen at the time of meals but not seen at the time of work. पात्रे समित, पात्रे बहुल. आगे जो संस्कृत में शब्द हैं वे हैं परान्न. परान्न शब्द अमरकोश में आया है. परान्न परपिंडादः. तो परान्न अर्थात जो दूसरे के अन्न, जिसका अन्न जो दूसरे का दिया हुआ है, जिसके पास अन्न जो आता है वो दूसरों से आता है, तो वह है परान्न. पर अर्थात दूसरा, अन्न भोजन. तो परान्न. और इसी प्रकार परान्न जीवी, जो दूसरे के अन्न पर जीता है. परान्न जीवन, जिसका जीवन दूसरे के अन्न पर रहता है. परान्नोपजीवी, जो जिसकी उपजीविका, जिसका जिसका उपजीव्य दूसरे का दिया हुआ भोजन है.
परान्न भोजी दूसरे का अन्न खाने वाला, परान्न भक्षी यही अर्थ है, परान्न पुष्ट दूसरे के भोजन से जो पुष्ट होता है। एक बहुत रोचक शब्द है कोयल के लिए संस्कृत में, और वह परपुष्ट, कोयल के लिए, कोकिल के लिए, और जो नारी कोयल है उसके लिए परपुष्टा। तो जैसा आप जानते हैं जो कोयल है, द इंडियन कुकू, सम स्पीशीज आर नोन टू बी ब्रूड पैरासाइट्स, दे ले देयर एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रोज एंड द नेस्टलिंग्स आर नरिश्ड बाय द क्रो। सो कोयल अंडे देती है कौवे के घोंसले में, और कुछ प्रजातियां, और कौवे उनके बालकों को बड़ा करते हैं, शावकों को, तो इसलिए परपुष्टा कहते हैं कोकिला को, परपुष्ट कहते हैं कोकिल को। तो यह शब्द भी है दूसरे के द्वारा पोसा गया, परपुष्ट अथवा परपुष्टा। और एक बड़ा रोचक शब्द है परपाक रुचि। देखिए कितना सुंदर शब्द है, ऐसा जैसे लगेगा आप प्रशंसा कर रहे हैं, परपाक रुचि, जिसकी रुचि दूसरे के पकाए हुए भोजन में है। इसका भी अर्थ वही है, पैरासाइट अथवा जो दूसरे के भोजन पर जीता है, समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन अदर्स, इन फूड कुक्ड बाय अदर्स, दैट इज परपाक रुचि। इसी प्रकार परपिंडाद, दूसरे का पिंड खाने वाला, पिंड अर्थात जो भात का बनते हैं गोले, उनको पिंड कहते हैं, तो यह अमरकोश में दिया गया है। और इसी प्रकार परपिंड पुष्टक, यह भी एक और शब्द है। सो ऑल दीज आर वर्ड्स इन संस्कृत, पात्रे समित, पात्रे बहुल, परान्न, परान्न जीवी, परान्नोपजीवी, परान्न जीवन, परान्न भोजी, परान्न भक्षी, परान्न पुष्ट, परान्न रुचि, परपाक रुचि, परपुष्ट, परपिंडाद, परपिंड पुष्टक। तो आशा है ये हिंदी के शब्द रोटी तोड़ टुकड़ तोड़ रहुआ और संस्कृत के शब्द आपको अच्छे लगे होंगे। नमो वः।